एवरीवन, यहाँ पे हम जो क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे हैं वो नीट 2023 जो आज एग्जामिनेशन हुए हैं उसके क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन हम अपलोड कर रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो बिल्कुल आसान से प्रश्न थे, जो कि आप एकदम बहुत आसानी से उसके आंसर कर सकते थे। देखा पूछा गया है द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पायरिडीन। सबसे पहले तो आपको पायरिडीन का स्ट्रक्चर्स पता होना चाहिए, तो यहाँ पे हम आपको स्ट्रक्चर दिखा देते हैं कि किस तरीके से आप इस पायरिडीन का स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ये आपका कि स्ट्रक्चर किसका है, पायरिडीन का। आप देखिए इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से बना हुआ है। अगर बात करें इस पायरिडीन के स्ट्रक्चर्स में, तो यही पायरिडीन का स्ट्रक्चर है। इसमें आप सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और लोन पेयर काउंट कर लीजिए, उसके बाद ऑप्शन से चेक कर लीजिए। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो मॉलिक्यूल्स में जो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है, ये देखिए सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ पे एक सिग्मा, यहाँ पे एक सिग्मा, यहाँ पे एक सिग्मा, यहाँ पे सिग्मा, इस तरीके से जो टोटल सिग्मा बॉन्ड है अगर काउंट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पे एक है 7, 8, 9, 10 और 11। 11 तो आपको सिग्मा बॉन्ड दिख गए। अब हम यहाँ पे देखेंगे पाई बॉन्ड कितने हैं। अगर हम पाई बॉन्ड यहाँ पे देखना चाहें तो पाई बॉन्ड को देखने के लिए हमें क्या करना होगा, 1 पाई 2 पाई 3 पाई, 3 पाई बॉन्ड हो गए। और कितने लोन पेयर हो गए, 1 लोन पेयर, तो 1 लोन पेयर, 3 पाई बॉन्ड और क्या होगा, 11 सिग्मा बॉन्ड। तो ऑप्शन में हम चेक करेंगे कि कहीं क्या ऐसा ऑप्शन दिया गया है, अगर ऐसा ऑप्शन कहीं पे होगा तो वही ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन नंबर 4 होगा वही आंसर क्या होगा, करेक्ट होगा। इसके अलावा अभी हम 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि सारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये रिजल्ट वाले क्वेश्चन को भी देखेंगे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।